दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने Adobe Photoshop के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने अभी तक Adobe Photoshop का मेन इंटरफेस देख लिया है और उसके अलावा हमने न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स लेनी भी फोटोशॉप के अंदर सीख ली हैं। तो इस लेसन में मैं अब आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि हमने फोटोशॉप के अंदर नेविगेट किस तरह से करना है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको इलस्ट्रेटर सिखाना शुरू किया था तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर नेविगेट किस तरह से करते हैं। तो अब वही चीज़ मैं आपको Adobe Photoshop के हवाले से सिखाने जा रहा हूँ। तो चलें चलते हैं Adobe Photoshop की तरफ। अच्छा, ये तो दोस्तों ये देखें, आप लोगों के सामने मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये आपका कैनवस है, ये आपकी टूल बार है, ये आपका मेन मेन्यू, सब मेन्यू और ये आपके राइट साइड पे जो मेन्यूज होते हैं वो आपके अवेलेबल हैं। अच्छा, तो दोस्तों चलें जरा देखते हैं कि हमने फोटोशॉप के अंदर नेविगेट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ कि अगर आप स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हैंड टूल आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो जब हमने Adobe Illustrator सीखा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये स्पेस बार को अपने कीबोर्ड के ऊपर अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो आपके पास ये हैंड टूल बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, इस हैंड टूल के साथ मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेटर में और सेम प्रोसीजर फोटोशॉप के अंदर भी हम फॉलो करते हैं कि इस हैंड टूल की मदद से हम अपने इस कैनवस को या आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका जो कैनवस है ये हैंड टूल की मदद से भी मूव नहीं हो पा रहा। इसके लिए हम F की जो है वो प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर। जैसे ही हम F की जो है वो प्रेस करेंगे तो उसके बाद जब हम स्पेस बार को होल्ड करेंगे तो ये देखें, अब ये जो हमारा कैनवस है ये इजीली मूवेबल हो गया है और अब हम अपने पूरी स्क्रीन के ऊपर अपने कैनवस को किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार और अगर आप F प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका कैनवस रह गया, बाकी सारी चीज़ें जो थी वो गायब हो गई हैं। ये वाली जो मोड है ये हम लोग बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम मिसाल के तौर पर कोई लेआउट बना रहे हैं या किसी फोटोशॉप को ट्रीट कर रहे हैं और उसके अंदर हमें कोई भी और चीज़ नहीं चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करके अपनी फाइल को, अपने कैनवस को ही देखना चाह रहे हैं, उस सूरत में हम इस सिचुएशन में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि F7 जो है ये शॉर्ट की है लेयर पैनल की। तो अगर आप F7 को प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आपका जो लेयर पैनल है ये ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास लेयर जो हैं ये आपकी ओपन हो चुकी हैं। अब मैं वापस दोबारा प्रेस करता हूँ F को और ये देखें हम वापस यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार और F प्रेस किया तो ये देखें अब आपका जो कैनवस है वो मूवेबल है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इलस्ट्रेटर में हम Z प्रेस करते थे और उससे हमारे पास जूम टूल आ जाता था और हम जूम इन और जूम आउट कर सकते थे। प्लस के साइन के साथ हम जूम इन करेंगे और अगर हमने जूम आउट करना है तो हम ऑल्ट की जो है वो होल्ड करेंगे और फिर जैसे ही हम माउस के साथ क्लिक करते जाएंगे तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये जूम आउट होता जाएगा। दोस्तों, ये भी चीज़ जिस तरह से इलस्ट्रेटर में थी बिल्कुल इसी तरह से फोटोशॉप में है। अच्छा, जब हम जूम के अंदर जाते हैं तो ये देखिए कि यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस आपके पास आती हैं। 100% यानी अगर आप 100% जूम करना चाहते हैं, फिट स्क्रीन यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कैनवस है ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए, और फिल स्क्रीन अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका कैनवस है ये आपकी स्क्रीन को फिल कर लें, तो ये भी दो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वी प्रेस करके हमारे पास ये आता है जी मूव टूल, जो कि हमारे आप देख सकते हैं हमारी जो टूल बार है उसके अंदर हमारा पहला टूल है, जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हमारे पास सिलेक्शन टूल होता था और ये जूम वगैरह करते हुए हम लोग बार बार सिलेक्शन टूल की तरफ जाते थे, बिल्कुल उसी तरह से फोटोशॉप में हम मूव टूल की तरफ जाते हैं। तो ये आपने देख लिया कि हम लोगों ने जूम इन किस तरह से किया, जूम आउट किस तरह से किया। अच्छा, एक और चीज़, ये यहाँ पे लेफ्ट बॉटम के ऊपर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रखें क्लिक करके तो ये आपको आपके डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि विड्थ क्या रखी है आपने, हाइट क्या रखी है, चैनल्स की आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, रेजोल्यूशन वगैरह के हवाले से बताया जा रहा है। प्लस अगर आप जूम करना चाहें अपनी मर्जी से तो आप यहाँ से आके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50% लिख के एंटर करता हूँ तो ये देखें मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये 50% जो है वो जूम हो चुका है। तो यहाँ से आप जूम की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में खुद भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई भी आपकी चीज़ ना मिले, आपकी यानी कि मेन्यू कोई भी बटन आपको नहीं मिल रहा, तो जस्ट गो टू विंडो, विंडो मेन्यू में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको आपके तमाम रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, जो बटन्स हैं, जो मेन्यूज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये आपके पास लेयर्स वगैरह हैं।
इसके अलावा जिस तरह इलस्ट्रेटर में कंट्रोल आर से आपका रूलर आता था, बिल्कुल इसी तरह से फोटोशॉप में भी आपका रूलर आता है। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमने फोटोशॉप के अंदर नेविगेट करना सीखा, हमने ये सीखा कि हम जूम इन जूम आउट वगैरह किस तरह से करते हैं और मूव किस तरह से करते हैं, एफ की के बारे में आपने सीखा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फोटोशॉप के अंदर नेविगेट करने के बारे में इस लेसन में आपने सीखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेसन के अंदर फोटोशॉप में नेविगेट करने के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली होगी और समझ भी आ गई होगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे फोटोशॉप के हवाले से मज़ीद।